Hello. यार अगर अंगूठा इतना ब्यूटीफुल है तो हाथ भी ब्यूटीफुल होगा और अगर हाथ ब्यूटीफुल है तो हाय रब्बा फेस कितना ब्यूटीफुल होगा। नमस्ते थानेदार जी। नमस्ते नमस्ते। पुलिस वाले को अंगूठा दिखाने का अंजाम जानती हो? अंदर कर दूंगा। माफ कर दो थानेदार जी, मैं तो घर से जस्ट चिल करने निकली थी। मरने के पता था कितनी चिलचिलाती धूप में हमारी जवानी किल हो जाएगी। अब थानेदार जी मैंने वो आगे तक जाना है, इफ यू डोंट माइंड। लेकिन गाड़ी पे चढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि मैं गाड़ी थोड़ी तेज चलाता हूं, तो थोड़ा आप मुझे पकड़ के बैठिएगा। आप चिंता ना करो थानेदार जी, आप जनता की इतनी सेवा करते हो, मैं तन्ने गिरने ना दूंगी। नहीं नहीं कोई बात नहीं। और एक और चीज, वो क्या है ना कि सड़कों में काफी गड्ढे हैं, तो अगर मैं थोड़ी ब्रेक लगाई ना तो उसे शेक ना होना, उसे टेक लेना। मैंने कहा ना नो प्रॉब्लम थानेदार जी। वैसे आपको जाना कहाँ है? देखिए वो नाक की सीध में जाके जो पहला लेफ्ट आता है ना। लेफ्ट? मेरे को भी लेफ्ट जाना है? हाय सच्ची? हाँ? और लेफ्ट मार के ना जो एक भैंसों का तबेला आता है ना, वहाँ से राइट जाना है। लो कर लो बात, ये तो कोका इंसिडेंट हो गया, राइट तो मेरे को भी जाना है। और फिर राइट जाके जो नथुराम की पान की दुकान आती है ना, उसके सामने है इमान चौकी पुलिस स्टेशन। ओहो दिस इज टू मच यार, इमान चौकी तो मेरे को भी जाना है, हमारी मंजिल एक है जी। अच्छा मंजिल तो अपनी एक है, पर आपके इरादे मरने नेक ना लगे इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे। तू तो बड़ा बाल ब्रह्मचारी हो रहा है। जय हनुमान जय हनुमान। ये तो मैं लड़की देख के किधर गई तेरी भक्ति, के बोल रहा था है? शेक ब्रेक टेक है के? देखिए आप थोड़ा गलत समझ रही हैं। वो मैं पुलिस वाले होने का फर्ज निभा रहा था। वो क्या है ना, अगर एक सुनसान सड़क पे एक अबला अंगूठा दिखा के मेरी फटफटिया पे छोड़ देने का आवेदन करे, तो मेरा निवेदन है कि उसे संवेदन करके मैं उसकी सेवन करूँ ना। अरे अरे तेरी हिंदी मारी समझ में ना आवे, चल मन्ने थाने छोड़ दे, चल चल। जब मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई थी तब उन्होंने कहा था तुम 24 साल के हो, लेकिन निकले 42 के। हाँ तो उसमें क्या गया, दो और चार और चार और दो, दो चार का तो प्रॉब्लम हो ही जाता है ना। बाकी मेरे बापूजी का है ना गणित का प्रॉब्लम है, उनकी भी एज ना 95 की है, लेकिन वो लोगों को बताते 59 के। बाकी बापूजी बहुत भागे। हाँ यार वसीयत पे साइन करते तो अब तक कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते। चल अभी शांति रख, यहाँ पे होशियारी मत करना। वो देखो वो लड़की बैठी ना, मेरे को लगता है वो इंस्पेक्टर है, उनसे बात करते आओ। हाँ लेडीज फर्स्ट, आगे आओ। इंस्पेक्टर कोकिला मैन सा गुजराती, जय श्री कृष्ण गुजराती, जय श्री कृष्ण। तमे लोग गुजराती छो, माने लगियो बराती छो। नमस्ते बेन, मैं हूँ जिग्ना और ये जिग्नेश, और हमारे घर में है कलेश। क्या हुआ बोलो ना, दिल का पर्दा खोलो ना। मेरे बापूजी ना खो गए, माने सो गए, मतलब के गुम हो गए। ना बापूजी ना उनकी छड़ी, हमारी ये खटिया खड़ी। मतलब पापा लापता? हाँ तो बड़ी बेन, तुम रिपोर्ट लिखो ना, पापा की टेंशन में कल से जिग्नेश ने कुछ नहीं खाया है। हाँ और जिग्ना भी है ना पापा के टेंशन में रो रो के सो रही है। ए, चल चला हवे जाग रही है बस। आप फिकर मत करिए, हवलदार गुलगुले, हवलदार गुलगुले, गुलगुले गुलगुले। I'm Gulgule. I'm the head constable over here. What's the problem? What's the problem, my man? आप भाई सु बोले छे? अगर गुजराती का प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, हिंदी में आप बोलो ना। We are वर्नी। वर्नी? Means we are वर्ना कूल। Uneducated people. क्या प्रॉब्लम क्या है? इनके पापा खो गए हैं, ये दोनों बच्चे अनाथ हो गए हैं। पापा खो गए तेरे, पापा खो गए तेरे। अरे यहाँ पर इस शहर के अंदर एक बहुत बड़ा आतंकवादी इधर उधर भटक रहा है, हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस आतंकवादी को पकड़े कि तेरे पापा को, तू बता कौन ज्यादा जरूरी है, वो आतंकवादी या तेरे पापा? मेरे पापा। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तेरे पापा को ही ढूंढते ना, आतंकवादी को ढूंढते ढूंढते हम लोग भी मर जाएंगे, किसको ढूंढने में इंटरेस्ट है? बोल हुलिया क्या है तेरे पापा का? अंदर आ जाऊं कि मैं? अरे और कितना अंदर आएंगे आप?
अरे तू तो बिल्कुल चुंबक जैसा है, तने देख के मैं खींची सी चली आती हूँ। पीछे हटिए, पीछे हटिए। और कोई काम धंधा तो है नहीं तुम्हें, फैंसी ड्रेस पहनकर मेरे पीछे लगने के अलावा सरकार से मुफ्त की पगार ले रही हो तुम। अरे चुप हो जा, ज्यादा ना बोल। मैं कोई फैंसी ड्रेस पहन के कंपटीशन में ना जा रही थी। वो तो हमारे शहर में एक भयंकर आतंकवादी आ गया है बम फोड़ने, उसी को धर लेने के लिए अंडर कवर घूम रही थी मैं। फिर तो तू दिख गया, तो मैंने सोचा थोड़ा आतंक तेरे साथ कर लूं। एक मिनट। यस सर। नो सर, नो प्रॉब्लम सर। ओके जी। आपके बॉयफ्रेंड का फोन होगा? ना बॉयफ्रेंड का सर बोलूंगी मैं। हाँ, ओ सॉरी, कमिश्नर साहब का फोन था। वो कह रहे थे वो आतंकवादी की फोटो उन्होंने पुलिस थाने में भिजवा दी है, अब तो कोई प्रॉब्लम ना होगी उसको धर लेने में। चल धंधे पे लग, चल। क्या मुसीबत है यार। बापूजी की हाइट 1 फुट 5 इंच। इतने से हैं तुम्हारे फादर? नहीं नहीं, मतलब 5 फुट 1 इंच। क्या 1 का 5 5 का 1 हो जाता है ना। और बाल है ना वो खिचड़ी है। खिचड़ी खाने की नहीं, वो कच्चे पक्के बाल बोलते ना, सफ़ेद और काले। और दाढ़ी में भी बहुत वेराइटी है, यहाँ पे ब्लैक बाल है और यहाँ पे वाइट। एक मिनट एक मिनट, तुम्हारे पास उनकी फोटो है? फोटो फोटो हाँ है ना। अबे तो फोटो दिखाना, इतनी देर से पका क्या रहे? हाँ दिखाता हूँ। गुलगुले गुलगुले, कमिश्नर साहब ने उस आतंकवादी की फोटो भेजी है जो शहर में श्रेयाम घूम रहे हैं। ये रही मेरे बापूजी की फोटो, लेटेस्ट खिंचवाई है। कहाँ खो गए मेरे बापूजी? ओ चिंता मत कर, चिंता मत कर, हम दोनों को ढूंढ निकालेंगे। बेन, अगर आप लोगों ने बापूजी को ढूंढ दिया ना, तो मैं आप लोगों को 10,000 रुपया दूंगी। 10,000 रुपए? फिर तो ढूंढना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, इनके पिताजी की फोटो को हम पेपर में छपवा देते हैं। ठीक है, ये आतंकवादी के भी साथ में छाप दो। दोनों छपवा देता हूँ, और 10,000 रुपए के लिए तो यू बापूजी को ढूंढ लूंगा। यू थैंक यू। मैं क्या बोलता हूँ बेन, मेरे बापूजी तो मिल जाएंगे ना। अबे बोला ना, ढूंढ निकालेंगे हम। सही बात है भाई, फोटो है तो छप गई है, तो आतंकवादी भी मिल जाएगा और यो गुमशुदा बाप भी मिल जाएगा, जिग्नेश का पापा। नहीं 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 मिस चौटाला, ये बूढ़ा आदमी आतंकवादी थोड़ी हो सकता है। अरे तू चुप रहे। अरे एक आतंकवादी तो बूढ़ा हो ही सकता है ना, यो तो आतंकवादी है, इसको धर के लाओ भाई बस। हाँ मैडम, ये बात में दम है, क्या इसके पास बम है? मेरी बच्ची, मेरी प्यारी, अरे तेरे को पुलिस में किसने भर्ती कर दिया? मम्मी ने। मम्मी ने ना? चल बाहर जाके स्किपिंग कर, सेहत बना। चल चल। और तू? तू तो खड़े खड़े बस मुंह ही बनाता रही हो, कोई काम वाम मत करियो तू। समझ गया मैडम, समझ गया। ए गोपे, गोपे, गोपे। यस, व्हाट हैपेंड? गोपी, हमने यहाँ पर ये जिग्नेश शाह के पापा की फोटो छपा दी है, और साथ में उस आतंकवादी की फोटो भी। इस आतंकवादी की फोटो लो, इसके बड़े बड़े पोस्टर बनाओ और इस शहर के कोने कोने चप्पे चप्पे में जाकर चिपका दो। ओके। मैडम ये गलत है। अरे बेटा मन ने फसाया, यो बहुत गलत बात है, पर तू टेंशन ना ले, यो आतंकवादी एक बार हमारे हाथ लग गया ना, तो मैं इसको कुछ करने लायक ना छोड़ूंगी। पर मैडम ये सही नहीं है। अरे तो मैं अभी तो वही कह रही हूँ कि सही ना है, अभी तुम्हारा दिमाग मत खराब ना, तन्ने भी टायर डाल के अंदर कर दूंगी। चलक। और तू, मन ने चाट खाने का मन हो रहा है, लेके चल। क्या मैं कोई रिक्शा वाले देखता हूँ क्या? खुद जाइए। बेटा गुलगुले, तुम्हें सुना है कि वो बाहर जो चाट वाला है उसके पास कॉलेज की लड़कियां आती हैं? आप यहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट कर रही है? मैं बोल रहा ना आपको, छोड़ रहा हूँ वहाँ पे, चलिए चलिए। हाँ तो भाई चाट वाले, चल भाई, एक प्लेट पानी पूरी, एक प्लेट भेल पूरी, एक प्लेट रगड़ा पैटीज, एक प्लेट सेव पूरी और एक दही चाट बना दे जल्दी से। और सुन, सौंठ ज्यादा डालियो सब पे। उसके ज्यादा लगेंगे, उसके ज्यादा लगेंगे। इधर आ बेटा। आप तो बिल्कुल फीकी है। अरे देख उसको क्या हो गया। अरे 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 भाई साहब, आप ठीक थे? आपको जोर की तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। आपका चेहरा कहाँ जाना पहचाना सा लगता है, मैंने आपको कहीं देखा हुआ है। अरे
हनुमान प्रसाद तू तो बिल्कुल ही बावड़ा हो रहा है, थारी मेमोरी तो एकदम जीरो है जीरो। अरे यो तो गुजराती पप्पा है पप्पा, वो जिग्नेश शाह का पप्पा। राइट, यू आर पापा ऑफ जिग्नेश शाह। हाँ हाँ हाँ। लगता है किसी का बाप समझ रहे हैं मुझे। अरे अंकल आप यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? अब आपके बहू बेटे आपको वहाँ ढूंढ रहे हैं। देखिए मैं अपने बेटे से बहुत तंग आ गया हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने दें अंकल, आपके ऊपर तो 10,000 का इनाम भी है। चलो भाई बाप को बेटे से मिला दें। क्या कर रहा है तू? ये किसको पकड़ना है? ये आतंकवादी नहीं है, ये बाप है। अरे इस उम्र में किसी ना किसी का बाप तो होगा ही, इसका ये मतलब नहीं कि लाश। अरे यार ये वो बड़ा बाप नहीं, ये वो बड़ा बाप है। क्या कह रहे हो गोपी, क्यों पिना रहे हो हमें टोपी? बेबी बेबी बेबी, ये है ना ये बूढ़े बाबा है, ये छोटे छोटे बच्चों को ना पकड़ के ले जाते हैं। एक ड्रामा मचा रखा है हमारे थाने में। मैडम मुझे स्वर्ण पदक मिलना चाहिए, मैडम स्वर्ण पदक। क्यों भाई, किधर झंडा लगा दिया के? अरे मैडम पूरे शहर में जिस आतंकवादी ने हाहाकार मचा रखा था उसे मैं पकड़ आया हूँ मैडम। ये रहा वो, ये रहा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन माय बॉय। क्या तुमने पकड़ा इन्हें? नहीं, पब्लिक ने, ये तो मंदिर के बाहर बैठकर प्रसाद चुरा रहा था। अरे चुरा रहा था, आपको कुछ गलत फहमी। ये तारी उम्र नाती नातियों के साथ खेलने की हो रही है कि लाशें गिराने की हो रही है? और एक तू है और एक यो है के सज्जन जेंटलमैन टाइप का आदमी है यो। अरे भाई गुलगुले, इसने भी देख ले, इसने भी पहचान ले। अरे ये तो अपने जिग्नेश जी के बाबूजी है ना। बाबूजी नमस्ते। ए, देखने इनका इतना बड़ा जवान चौड़ा बेटा है और खुद लगते एक नंबर के बेटे ये, और तू जवान होकर एक नंबर का बुढ़ा दिखता है। छी छी छी, मेंटेनेंस का कोई हिसाब किताब नहीं है क्या? इनको देखो क्या मेंटेनेंस है, क्या चेस्ट है, क्या टाइट आर्म्स है सर। बाबू जी वैसे मेंटेन कैसे करते हैं, इज इट योगा? ऑफ कोर्स। बाबू जी मेरे ना वो जोड़े ना बड़े झूल गए। अरे तेरे डोले ना मैं टाइट करती हूं। और सुनो भाई बाल को नहीं, ये अंकल जी का मुंह धुला के कंगी वंगी करा के थोड़ा सुंदर बनाओ और इनके घर वालों को खबर कर दो कि उनका सामान मिल गया है, लेके जाएं। और इसके गले में टायर डाल दो और अंदर कर दो आतंकवादी। पर मम्मी, मैडम ये तो बूढ़ा बाप है। अरे तो साइकिल का टायर डाला, लेके जाओ। ये चल बाबू जी, बच्चों की बहुत याद आती होगी ना? बहुत ज्यादा। चल चल जितना जल्दी चल। अच्छा हुआ बापूजी मिल गए, अभी ना मकान हम अपने नाम पे करवा लेंगे। हाँ वैसे भी मैं बर्तन गस्ते गस्ते थक गई थी, और तुम्हारे बापूजी ओ हा हा क्या घर का काम करते हैं। तेरे को तो है ना हमेशा बर्तन की पड़ी रहती है, काम चोर कहीं की। काम चोर बोला चल। हेलो मैडम, मैं जिग्नेश शाह और ये है जिग्नेश शाह मेरी वाइफ। हाँ तो क्या करूँ मैं, ना मैं क्या करूँ, डांडिया करूँ मैं, डांडिया करूँ? नहीं डांडिया मत करो आप, मेरे बापूजी मिल गए ऐसा फोन आया था तो मैं मेरे बापूजी को लेने को आया हूँ। हाँ भाई, अरे वो हवलदार का क्या नाम है, मोटे से हवलदार का, मेरे को क्या मालूम। गुलगुले, ओ बेटा गुलगुले, जिग्नेश शाह के डैडी ने धर के लिया। गुलगुले आइए बाबूजी, आइए आइए आइए। से आपकी बात एकदम हैरान हो गया। जिग्नेश शाह तो ये देखो आ गए आपके बापूजी। क्या? नहीं नहीं ये मेरे बापूजी नहीं है भाई, ये इनके बाप नहीं है। न टीवी सीरियल का ज्यादा असर हो रहा है। अरे ससुर की इज्जत ना कर सकती तो कम से कम उसको पहचानने से इनकार तो मत कर भारतीय नारी। नहीं मैडम सचमुच ये है ना, ये मेरे बापूजी नहीं है। अरे ये तो कितने जवान हैं। अबे यार मेंटेनेंस मेंटेनेंस योगा करती है, है? योगा लेकिन कितना योगा। अरे तुम्हारे बाप के अलावा और भी परेशानियां हैं हमें। अरे वो देखो कितना खतरनाक आतंकवादी धर रखा है हमने। मैडम ये मेरे बापूजी है। ओहो तो तू आतंकवादी का छोरा हो रहा है। बेटा गुलगुले यो आतंकवादी का बेटा है, इसने अंदर धर ले और इसके गले में टायर डाल दे। नहीं 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 नहीं, ये बापूजी मेरे नहीं है, ये मेरे बापूजी हैं। एक बार इनके घर चला जाऊं फिर वहां से निकल लूंगा।
और कर दूंगा पूरे शहर में धमाका। चलो अपने बाबू को आप लेकर जाओ और पहले वो 10,000 निकालो इनाम के। वो भी याद है? हाँ याद है, निकालो चलो। ये लो ये 10,000 रुपए भी रखो, बाबू भी तुम ही रखो। छी 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 छी, कितनी गंदी बातें। ना बुजुर्ग आदमी अपनी देखभाल कैसे कर सकता है, लेके जाइए इनकी देखभाल करिए आप। जिग्नेश एकदम जवान आदमी है, घर का काम भी बैठकर करेगा, रख लो। तू जवानी पे जा रही है या काम पे जा रही है? बाहर कोकिला अकेले स्टेप को खेल दिया जाए, उसके साथ खेल। अरे चुप, कमिश्नर साहब का फोन है। हेलो सर। क्या हो गया बेटे, हंस रहे हो? मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ। रोना मत बेटे। मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या हुआ बेटे? आप जेल के अंदर हैं। मैंने इनको बहुत समझाने की कोशिश की, आप ही जिग्नेश के पापा हैं, पर ये नहीं माने। लेकिन आप चिंता मत करना, आपका ये बेटा आपको ना जेल से यार बाहर निकाल देगा। नहीं 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 बेटे, मुझे अपना बेटा कहते रहे तो फिर एक काम करो, इतनी मेहरबानी करो, मुझे जेल से बाहर मत निकालो। अरे मेरे बेटे के घर में रहने से तो जेल में ही रहना अच्छा है, इसीलिए तो मैं चुप रहा। अरे जिग्नेश के डैडी। अरे कौन जिग्नेश का डैडी? अरे क्या बात कर रहे हैं, आप ही तो हैं जिग्नेश की डैडी। अरे इतने बूढ़े आदमी का एक नौजवान आदमी कैसे डैडी हो सकता है? अरे सर मेंटेनेंस मेंटेनेंस, टोले शोले। अरे टोले शोले की ऐसी की तैसी। देखो मैं जेल में रहना पसंद करूंगा, लेकिन इन लोगों के घर नहीं रह सकता। जानते हो इस औरत ने मुझे सुबह 4 बजे उठाया, घर के बर्तन मंजवाए, कपड़े धुलवाए और घर का झाड़ू पोछा कराया, और इस मोटे ने अपने अपने पैर दबवाए। हाँ तो दुखता है तो मैं क्या करूँ ना? देखो मैं एक प्रोफेशनल आतंकवादी हूँ, किसी के घर का नौकर नहीं हूँ, मैं इस शहर में बॉम्ब ब्लास्ट करने आया था। ये देखो शाबाश, अब तुम्हारा सारा का सारा बयान इस टेप रिकॉर्डर के अंदर रिकॉर्ड हो गया। अबे तू क्या समझता था कि हम नहीं जानते कि तू एक आतंकवादी है? आर वी दैट स्टूपिड है? हमारे हवलदार गोपीनाथ ने हमें पहले से ही बता दिया था। अरे शांति शांति। हाँ तो भाई आतंकवादी, हमें तो तारा ड्रामा पहले से ही पता था, इसलिए हमने तारे साथ ड्रामा किया ताकि तू यहीं पर अपना इकबाले जुर्म करे और हम उसे रिकॉर्ड कर सके। इसलिए हमने जानबूझ के तुझे तुझ जैसे ही आतंकवादियों के घर भेज दिया। जैसे कि तू आतंकवादी है ना, वैसे ये दोनों भी आतंकवादी है। हाउ मैडम? हाउ इज बिकॉज जैसे कि ये अपनी धरती माँ पे अत्याचार करता है ना, तुमने अपने सगे बाप पे अत्याचार किया, समझे मोटे? हट, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे तेरी तो नहीं मैडम, बच्चे तेरी। बाबूजी मत मारो मेरे बेटे को, लगेगा उसे। बेटा तू बहू को लेके घर निकल जा, जा जा जा। ओके बाय, थैंक यू। ए बाय थैंक यू, ऐसा कैसा? ए गोपी अंकल ने बाहर लेके आ। आइए बाबूजी। बापू बापू के बच्चे इधर आओ अंकल। ऐसा है, आप अपने बच्चों के साथ शांति से घर जाओ, डरने की कोई बात ना है। नहीं बेटा, लेकिन वो फिर से शुरू करेंगे। अरे अंकल इस थाने में आपके 5-5 बच्चे हैं। सही है। हाँ। और तू मैडम यो हमारी बात सुन ले, अंकल को अगर अब जरा भी तंग कराना तो यो थाने में झाड़ू पोंछा कपड़े बर्तन सब तू ही करेगी कल से। समझी? हाँ समझी। पापा पापा घर चलो ना पापा, मैं तमाम बटे ढोकड़ा बनाया हुआ। चाची एक एक मिनट है। थैंक यू बेटी, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे भगवान। चलो चलो। ओ डैडी ओ डो ढूंढने उड़े क्या? अब तो दुनिया में सबको हमारे प्यार के चर्चे हो गए हैं। सबको लगता है कि हमारी जोड़ी बिल्कुल वैसी है जैसी ऐश्वर्या सलमान, जैसी ऐश्वर्या विवेक और जैसी ऐश्वर्या अभिषेक। लेकिन ऐश्वर्या है एक और बाकी सब अनेक। आप किसी और को ढूंढ लीजिए। हाय।